सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है एक हेयर बैंड जो कि हेड गेयर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लू गन, और ग्लू गन तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को स्टिक करने के लिए, जो कि नॉर्मल फेविकॉल से नहीं हो पाता है, तो ग्लू गन बहुत नेसेसरी है। फिर मैंने ये लिया है एयर डाई ड्राई क्ले, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। आप देख सकते हो इसकी मैंने 2-3 पैकेट ऑलरेडी यूज़ करके ख़त्म भी कर चुकी हूँ, और ये मेरे पास लास्ट बचा है, और पुराने पैकेट से कुछ ये छोटे छोटे पीसेस रह गए थे तो मैंने उसे भी यूज़ कर लिया है। फिर मैंने लिया है यहाँ पर केक मोल्ड। हाँ, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इस पर आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, इसके बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये स्टिक ऑर्डर किए थे, ये वुडन स्टिक, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ इस हेड गेयर के लिए। ये आप देख सकते हो, इसे मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये स्प्रे पेंट, ये गोल्डन कलर की है। ये आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से इसे चेक कर लेना। उसके बाद मैंने ये स्प्रे पेंट लिया है ताकि मैं पूरे वो हेडगेयर को गोल्डन कलर दे सकूँ। फिर मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था ये कार्डबोर्ड लाइक, ये मतलब पेपर टाइप ही है, ज़्यादा हार्ड। अब मैंने ले लिया है सीज़र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ भी कट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने ना इस कार्डबोर्ड पे एक ट्रायंगल बनाया, मतलब एरो मुझे बनाना था, जैसा कि आपने मेरे लुक में देखा होगा कि वो मुझे एरो मतलब तीर बनाना था बेसिकली। तो उसके लिए जो ट्रायंगल बनाना था मैंने उसे ड्रॉ कर लिया है, और फिर मैं क्या करूँगी सीज़र की हेल्प से मैं उसे काट लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे काट लिया है, और ऐसा ही मैं कुछ और बना लूँगी, मतलब 5-6 जितना मुझे नीड है इस हेडगेयर के लिए। तो वो सब मैं इसी तरह से ड्रॉ करके फिर कट कर लूँगी। देख सकते हो आप, मैंने इसे कट कर लिया है। फिर उसके बाद मेरे पास जो केक मोल्ड था ना, मैं क्या करूँगी कि उस पर जो ड्राई क्ले है, एयर ड्राई क्ले है, मैं उसे अच्छे से फिल करूँगी। जब एयर ड्राई क्ले थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाए ना, ये तब हो पाएगा। जब वो बिल्कुल गीला गीला सा रहता है तभी वो नहीं होगा, आपको डालकर थोड़ी देर छोड़ देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद वो इजीली बाहर आ जाएगा, नहीं तो वो पूरा मेसी हो जाता है। तो मैं उसे डाल दूंगी। देखिए आप, जैसा कि देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से नहीं डाला, तो एक दो बार तो मुझसे बहुत बेकार ही बना। उसके बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर करके उसे मुझे ये समझ में आया कि अच्छा इसे ड्राई होने देते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, उसके बाद वो ईजिली बाहर आ जा रहा था। फिर मैंने ये सारे स्टिक को ना उसी ग्लूगन के हेल्प से इस हेयर बैंड में अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब बिल्कुल ध्यान देना कि आप अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में ग्लू भी यूज़ करो ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, अदरवाइज क्या होगा ना कि आप ज़रा सा भी ऐसे अपना हेड को हिलाओगे वो गिरने लगेगा, जो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम देगा। तो मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है। उसके बाद अब देख सकते हो ये कितना प्यारा सा अच्छा सा निकल कर आया है ना। मैंने शुरू में बहुत सारा बर्बाद भी किया, उसके बाद ये अच्छे से बनने लगा। तो फिर मैं ऐसा बहुत सारा मुझे जितना नीड था मैंने बना लिया। उसके बाद इसको मैंने, देख सकते हो आप, जो मैंने ट्रायंगल बनाया था उसे स्टिक पे ग्लू गन के ही हेल्प से मैंने स्टिक कर दिया है जितना मुझे नीड था। और वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम साइज़ हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर मैंने ये देखो आप, जितना वो केक मोल्ड से डिज़ाइंस निकाले थे मैंने उसे भी ग्लू गन के हेल्प से स्टिक कर दिया है। जब ये क्ले अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना तो ये बहुत ईजिली मतलब स्टिक हो जाता है सारे चीज़ पर। आप देख सकते हो मैं जितनी डिज़ाइंस बनाते जा रही हूँ उसे मैं चिपकाते जा, और मैंने बाद में सबको गोल्डन स्प्रे जो मैंने आपको दिखाया था उसकी हेल्प से सारा कुछ को गोल्डन कर दिया। और आप ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, किसी भी लुक में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई और कलर चाहिए आप बिल्कुल कोई और कलर भी कर सकते हो। और ये रहा फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।